सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उस्मान एरी। दोस्तों कैसे हो यार, आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। तो वीडियो में फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको एडिटिंग समझ में आएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आने वाली आप तक पहुँच गए। कैसे अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए होगा, सब वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। ऑल मटेरियल सब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो वीडियो में इन्वेस्ट करके वीडियो करते हैं। ये हम ऑफिसर एप्लीकेशन अपने बैकग्राउंड को ओपन कर लेते हैं, तो रिसाइज कर लेते हैं गाइस 10,000 करेंगे। तो रिसाइज आपका नहीं होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अंक आ जाएगा गाइस। तो आप 2899 यहाँ पर आपको फिल कर देना है गाइस नंबर को। तो चलिए गाइस हम इसको डन कर देते हैं, रिसाइज हो जाएगा आपका बैकग्राउंड HD में गाइस। अभी हम ड्रॉ टूल में चलते हैं गाइस। ड्रॉ टूल में जाने के बाद हम वहीं पर एडिटिंग करेंगे। तो लेयर पे क्लिक करने के बाद एम्प्टी लेयर लेके फोटो को सेलेक्ट करके अपने मॉडल को एक सेलेक्ट कर लेना होगा। तो गाइस अपने मॉडल को सेलेक्ट कर लिए हैं, तो चलिए हम उसे हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। 3 डॉट पे क्लिक और ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हम उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं गाइस अच्छी तरीके से। तो गाइस सब वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा बस। तो गाइस अपने हिसाब से अपने मॉडल को आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ट्रांसफॉर्म करके आइज रोटेट करके आप चाहें अपने हिसाब से मतलब एडजस्ट कर सकते हैं गाइस। तो अपने हिसाब से आप बड़ा करके एडजस्ट हम कर ले रहे हैं, तो आप चाहें छोटा वाला अपने हिसाब से कर सकते हैं गाइस। हम चलिए ओपासिटी को हल्का से कम करके हम चलिए एक्स्ट्रा पार्ट जो हम उसे इरेज कर लेते हैं गाइस। चलिए वीडियो को भी फास्ट कर देते हैं, आप एकदम ध्यान से वीडियो देखिए हम किस तरह से इरेज कर रहे हैं, आप इसे इरेज कर लीजिएगा। तो गाइस मैं जितना भी बैकग्राउंड इस वीडियो में यूज़ किया हूँ, इस वीडियो में या अदर भी वीडियो को मैं जितना भी ट्यूटोरियल दिया हूँ, सबका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत लोग देखते भी हैं मतलब डाउनलोड नहीं करे, तो गाइस आप जाके एडिटिंग आपको करना होगा तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर भी एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब जाकर बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं कितना रियलिस्टिक तरीके इरेज कर लिया हूँ। तो एम्प्टी लेयर लेने के बाद चलिए हम शैडो को क्रिएट कर लेते हैं गाइस। शैडो क्रिएट करेंगे और रियलिस्टिक लुक लगेगा। चलिए हार्डनेस को इतना रख लीजिएगा, ओपासिटी को इतना करने के बाद चलिए हम फोटो को हम जूम करके अपने शैडो क्रिएट कर लेंगे गाइस। ओपासिटी को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, साइज को भी। तो गाइस चलिए हम फोटो को अपने जूम कर देते हैं, शैडो को आराम आराम से क्रिएट कर लेते हैं गाइस। तो देख सकते हैं मैं किस तरह से शैडो क्रिएट कर रहा हूँ, आप भी कुछ इस प्रकार शैडो को क्रिएट कर लेना होगा गाइस। हमारा इतना कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो देखिए ओपासिटी को हम चाहे तो कम भी कर सकते हैं, तो हम इतना कम कर दे रहे हैं तो हमारा इतना आसान हो चुका है। चलिए हम फोटो को चलते हैं एक एडजस्टमेंट पे गाइस, टूल वाला आइकन में क्लिक हुआ, चलिए हम एडजस्टमेंट करेंगे गाइस। तो अपना फेस पे लाइट को ब्राइटनेस को बढ़ाना होगा गाइस। तो चलिए हम ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को घटा देंगे, माइनस करेंगे गाइस। तो चलिए हम अपने फेस पे लाइट को बढ़ाना है, तो हम पूरे पहले इस तरह से एडजस्ट करने के बाद इरेजर टूल में जाएंगे, अपने फेस पे अप्लाई करेंगे गाइस। हमारा फेस हल्का सा गोरा हो जाएगा गाइस, देख सकते हैं कितना गोरा हो चुका है हमारा फेस। इस प्रकार से आपको भी आपके फेस के हिसाब से अकॉर्डिंग आपको करना है। आपका फेस वाइट है होगा तो रहने दीजिए गाइस, मेरा फेस थोड़ा सा ब्लैक था इसीलिए मैं इस ब्रश को अप्लाई किया हूँ। तो गाइस गाइस हम फेस को भी वाइट कर चुके हैं, देख सकते हैं इतना कुछ कंप्लीट होने के बाद हम अपने हिसाब से सैचुरेशन को माइनस को मतलब मैच करेंगे गाइस अपने हिसाब से, तो रियलिस्टिक लुक लगेगा गाइस। तो चलिए हम व्यू को थोड़ा सा छेड़छाड़ कर लेते हैं हल्का सा गाइस, देख सकते हैं हमारा कितना रियलिस्टिक लुक हो चुका है। तो गाइस चलिए फोटो को एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, चलिए फोटो को सेव कर लेते हैं। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।